गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग रक्षा, राजेंद्र, गौरी, धनंजय, बिकाराम, दिनेश, पूजा, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कॉन्टेस्ट। सो टुडे इन मॉर्निंग सेशन वी डिस्कस द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। एंड ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने डिस्कस किया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। राजेंद्र मिल सकता है, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आप ट्राई करना, सभी इंस्टीट्यूट में ट्राई करना, सारे इंस्टीट्यूट के इंटरव्यूज देना। तो आज जो हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया, क्या वो सबको समझ में आया? तो एनी डाउट? तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई डाउट? हाँ राजेंद्र, एमएससी के लिए अभी ऑन द बेसिस ऑफ गेट नहीं, लेकिन बाकी के एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस के ऊपर एडमिशंस लिए जाते। अरिंदन, हो सकता है 308 जैम का ओबीसी का रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है। आप सिर्फ ट्राई करना आईआईटीज में, अच्छे आईआईटीज में आप ट्राई करना। आप पूजा, सुबह जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, वो समझ में आया? टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट? गुड इवनिंग राहुल, यस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टेस्ट पेपर्स। एंड इन कॉन्टेस्ट पेपर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या है। एंड सुबह जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, क्या वो आपको समझ में आया या नहीं, ये हम आज क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्टेस्ट सेशन। तो फर्स्ट गेट बायोटेक्नोलॉजी, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का सेक्शन हम डिस्कस करें। तो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। सो कॉन्टेस्ट फाइव को हम डिस्कस करें, जो गेट बायोटेक का है। एंड कल सुबह आपका और एक लेक्चर होगा जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, रेगुलेशंस का लेक्चर है, तो आप उसको जरूर अटेंड कीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन है वो भी, कि जिसमें आपको रेगुलेशन जो किए जाते जीन रेगुलेशन, वो आप डिस्कस करोगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टेस्ट फाइव का, जो गेट बायोटेक का है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज
आर कि व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए. यस, फर्स्ट क्वेश्चन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर. What are the monoclonal antibodies? Yes, Lakshmi C option बोल रही है, Pooja C option बोल रही है, Nitin B option बोल रहा है. Okay, so सभी लोग जल्दी से comment कीजिए. First question, monoclonal antibodies are कि हमने जो सुबह monoclonal antibodies को discuss किया वो क्या होते. यस, नवीन बी, रक्षा सी. तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए. यस, बिकराम बी, सीमा बी, हो गया, कविता सी. ओके, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हमने डिस्कस किए थे कि वो सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज होते हैं एंड इनको प्रोड्यूस करते हैं हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, करेक्ट. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एक तो फर्स्ट हिट्रोजीनस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल. सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल से हिट्रोजीनस एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाए और होमोजीनस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स. नाउ क्लोन तो एक ही होता है प्लाज्मा सेल्स का, तो सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल ये तो करेक्ट ही है. नाउ आप मुझे बताइए होमोजीनस होना चाहिए हिट्रोजीनस होना चाहिए. यस, जल्दी से जल्दी बता दीजिए होमोजीनस और हिट्रोजीनस, क्योंकि सारे एंटीबॉडी एक ही क्लोन से आ रहे तो वो होमोजीनस होंगे या हिट्रोजीनस होंगे. सिमिलर काइंड्स और डिफरेंट काइंड्स. यस, कविता सी, राजेंद्र सी, आरतु गुड इवनिंग. तो जो एंटीबॉडीज होंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये होमोजीनस होना चाहिए मिक्सचर एंड होमोजीनस एंटीबॉडीज होने चाहिए हिट्रोजीनस चाहिए. जल्दी से जल्दी बता दीजिए. नितिन होमो, ओके, राजेंद्र, गेट से होता है राजेंद्र, एमएससी के लिए होता है बट वो आईआईटीज में होता है, आपको आईआईटीज में ट्राई करना होगा, आईआईटी एंड आईएससी. यस, होमो, पूजा होमो. तो सब ने आंसर किया, सब लोग कमेंट कीजिए होमोजीनस होना चाहिए हिट्रोजीनस. सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल से अगर एंटीबॉडीज सीक्रेट होंगे तो वो होमोजीनस होंगे एंड इसलिए आप जो बोल रहे हो करेक्ट है सबका. बी ऑप्शन इज द करेक्ट कि होमोजीनस एंटीबॉडी प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स. सो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बी ऑप्शन बोला वो करेक्ट है. ए एंड बी करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पे हिट्रोजीनस लिखा है, तो ए एंड बी इज नॉट करेक्ट. देन नन ऑफ दिस, ये भी इनकरेक्ट है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. हाँ राजेंद्र, आप ट्राई करना, हो सकता है एडमिशन पॉसिबिलिटीज है. नाउ ये क्वेश्चन समझ में आया. सो ये हमने देखा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होते हैं इनमें होमोजेनस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है. नेचुरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, कि जो नेचुरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसे हम एडाप्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं. तो एडाप्टिव इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ, कि ये लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कि वो क्या प्रोड्यूस करता है. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए. यस,
सेकेंड क्वेश्चन, तो नितिन फर्स्ट, बिकराम ए बोल रहे सब, नवीन कुमार, आईजीएम टाइप की होती है प्राइमरी एंटीबॉडी, बिकराम ए, प्रियंका ए, गौरी ए, रक्षा ए, सभी ए बोल रहे, आरतू कॉट्स पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन वीवो, ओके, लक्ष्मी ए, तो करेक्ट है सभी ऑप्शंस कि जो आप बोल रहे हो करेक्ट है, क्योंकि आप ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस की बात कर रहे हो एंड कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है तो उस एंटीजन के ऊपर डिफरेंट काइंड्स के एपिटोप्स होते हैं एंड इसलिए जब भी वो बॉडी में इंजेक्ट होता है और एंटर होता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमेशा कौन से टाइप का रिस्पॉन्स होता है, सो दिस इज द पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स की पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है एंड देयरफॉर हियर देयर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। तो नवीन, प्राइमरी अगर एंटीबॉडी होगी तो हमेशा आईजीएम ही होती है एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है तो हमेशा आईजीजी होती है। मोनोक्लोनल में मोस्टली हम आईजीएम एंटीबॉडीज को ही देखते हैं कि आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। मोनिका ए, सो करेक्ट है, सो आपने जो आंसर बोला पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, तो नेचुरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। नाउ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का रोल भी हमने डिस्कस किया कि जो भी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज है दे आर एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइजिंग, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स, ओके, सो देयरफॉर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये समझ में आया क्वेश्चन? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। देन सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, नॉट अ मोनोक्लोनल, एंड ये सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। देन थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है प्रोडक्शन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के, यस, एंड यही क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में दो दो मार्क के लिए, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये अप्लाइड टॉपिक आता है। बिकराम यस, बी नितिन, बी पूजा, कविता, बिकराम, संजू, लक्ष्मी, राकेश, राक्षा, तो ये सारे बी ऑप्शन बोल रहे हैं, सीमा बी, तो प्रियंका बी, सो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम माइस में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं एंड इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम हाइब्रिडोमा सेल्स को यूज करते हैं, तो वी यूज द हाइब्रिडोमा सेल्स, एंड ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है दे आर फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स को हम जब फ्यूज करते हैं विद द माइलोमा सेल देन दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा सेल्स, कि जो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं, ओके, सो बी ऑप्शन करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, देन सी इनकरेक्ट है एंड डी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सबका करेक्ट है कि आपने जो बी ऑप्शन बोला करेक्ट है, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ये यूज की जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, ओके। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप बाय, कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था,
तो डिस्कवरी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के कौन से साइंटिस्ट ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर टू बी सेल्स फ्यूज किए जाते हैं विद द माइलोमा सेल्स। नितिन ए चालू राजपूत, बी बिकराम, ए कविता पूजा, बिकराम लक्ष्मी ए। तो सभी ए बोल रहे हैं। सोनम कुमारी ए, प्रियंका ए। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपको साइंटिस्ट भी पता होने चाहिए। क्योंकि इस टेक्निक को जब डेवलप किया गया, डिस्कवर किया गया, तब इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। गुड इवनिंग ऋषभ सर। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था? ए विकास। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप बाय, तो किसने डेवलप किया था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? तो जो आप बोल रहे वो यस आर टू सी मोनिका ए। यस, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये हमने सुबह ही डिस्कस किया हुआ पॉइंट है कि दो साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, एंड ये जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, कि कोलर एंड मेलस्टेन, ये जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कोलेर एंड मेलस्टेन, 1975 में डिस्कवरी हुआ था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का। ये समझ में आया? यस। देन नेक्स्ट, हाइब्रिडोमास आर मेड बाय, कि हाइब्रिडोमा सेल्स को हम कैसे फॉर्मेशन करते? तो हाइब्रिडोमास आर मेड बाय, हाइब्रिडोमा का फॉर्मेशन गौरी ए, कोलेर एंड मेलस्टेन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी 1975 करेक्ट। कविता 1975 में ही किया था। देन बिकाराम बी, विकास डी। ठीक से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, लक्ष्मी बी कविता बी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। संजू शर्मा डी। सभी स्टूडेंट जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस, सेम ही क्वेश्चंस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस गौरी बी, गौरी ए, नितिन बी। सो ये क्वेश्चन है कि जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हाइब्रिडोमा सेल्स कौन से सेल्स को फ्यूज करके बनाए जाते हैं। तो पहले हम कौन से सेल्स लेते थे? बी सेल्स, और इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल, एंड इनको हम फ्यूज करते हैं विथ माइलोमा सेल। तो इनको हम फ्यूज करते हैं माइलोमा सेल, कि जो कैंसर सेल है, करेक्ट। एंड जैसे फ्यूज होते हैं देर इज फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिडोमा। तो ये हाइब्रिडोमा सेल्स, करेक्ट। तो मोनिका बी, शुभम, रक्षा, गौरी बी बोल रहे हैं, गौरी ए बोल रहे हैं। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप बी सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करोगे तो हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर्मेशन होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि नॉर्मल बी सेल्स को लेना है या
जो मेमोरी बी सेल्स है उनको लेना है. यस, नॉर्मल बी सेल्स को फ्यूज करना है या मेमोरी बी सेल्स को फ्यूज करना है, जल्दी से बताइए. यस, नॉर्मल बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स. पूजा नॉर्मल, बिकराम नॉर्मल, ओके, नॉर्मल बी सेल्स. तो सोनम नॉर्मल, नॉर्मल करेक्ट, कि सभी बोल रहे नॉर्मल बी सेल्स को ही फ्यूज करना है, वेरी गुड. सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फ्यूजिंग बी सेल्स विद द माइलोमा सेल्स, कि जो नॉर्मल बी सेल्स है, नॉर्मल बी सेल्स को हम माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करते हैं, तभी जाके हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड इसलिए हमें बी सेल्स चाहिए, एंड इसलिए नॉर्मल बी सेल विथ माइलोमा सेल. तो करेक्ट विकास, हम मेमोरी बी सेल्स को नहीं लेते, हम नॉर्मल बी सेल्स को लेते. देन करेक्ट, सो दिस इज द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कि इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ये समझ में आया, ओके. देन नेक्स्ट, अभी देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैट मीडियम, कि हैट मीडियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. यस, तो हैट सिलेक्शन मीडियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जल्दी से जल्दी बता दीजिए. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नितिन सी ऑप्शन बोल रहे हैं. और बिकराम सी ऑप्शन बोल रहे हैं. लक्ष्मी सी ऑप्शन बोल रहे हैं. पूजा सी, संजू सी, वर्षा सी, प्रियंका सी, विश्वर्जन सी, रक्षा डी. देखिए ध्यान अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए पहले एंड देन आंसर दीजिए. शुभम सी, चालू कविता डी सी. यस, हैट सिलेक्शन मीडियम हमने डिस्कस किया है सुबह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. एंड ये क्वेश्चन कि जो हैट मीडियम का रोल क्या है, तो इसमें हम हाइपोक्सैंथिन, अमाइनोप्टेरिन एंड थायमिडिन का रोल देखते हैं. मोनिका सी, कविता सी. सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि हैट मीडियम इज सिलेक्टिव मीडियम. यस, सो करेक्ट है, दिस इज द सिलेक्टिव मीडियम, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिवली हाइब्रिडोमा सेल्स ही ग्रो होते. सेकेंड, अमाइनोप्टेरिन इन अ हैट मीडियम ब्लॉक्स डीनो पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. क्या ये करेक्ट है, अमाइनोप्टेरिन. यस, हाँ गौरी, ठीक है, थोड़ा लेट आ रहा है रिप्लाई. सो यहाँ पे अमाइनोप्टेरिन इन द हैट मीडियम ब्लॉक्स डीनो पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. बी ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. यस, तो अमाइनोप्टेरिन क्या डी नो पाथ को इनिबिट करता है. बी ऑप्शन आइदर इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए. इज बी ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट.
हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, अमेनोप्टेरिन इन द हैट मीडियम ब्लॉक्स डीनो पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। करेक्ट नितिन बोल रहा है, करेक्ट विक्रम, करेक्ट यस। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। आर्किया करेक्ट, कविता करेक्ट। ओके सो आप बोल रहे हो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कि अमाइनोप्टेरिन डीनो पाथ को ब्लॉक करता है। यस लक्ष्मी करेक्ट, पूजा करेक्ट। तो आपका करेक्ट है कि अमाइनोप्टेरिन डीनो पाथ को ही ब्लॉक करता है, सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है। सी ऑप्शन साल्वेज पाथवे रिक्वायर अमाइनोप्टेरिन एंड थाइमिडिन, आइदर सी ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अभी आप मुझे सी ऑप्शन का बता दीजिए। यस सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सैल्वेज पाथवे रिक्वायर अमाइनोप्टेरिन एंड थाइमिडिन, आइदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आरोग्य इनकरेक्ट, प्रियंका इनकरेक्ट। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। विकराम, विकराम करेक्ट बोल रहे, नितिन इनकरेक्ट बोल रहे, गौरी अमाइनोप्टेरिन इन द हैट मीडिया ब्लॉक्स डीनो पाथवे, करेक्ट है गौरी। विकराम डी, सोनम इनकरेक्ट, कविता इनकरेक्ट। ओके विकराम, विकराम करेक्ट बोल रहे, सो सी ऑप्शन आइदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। यस जल्दी से जल्दी बता दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। गौरी बी, बी सी ऑप्शन आइदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, एंड ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि साल्वेज पाथवे रिक्वायर अमाइनोप्टेरिन, नॉट अमाइनोप्टेरिन। साल्वेज पाथवे को कौन रिक्वायर्ड होता है, तो साल्वेज पाथवे रिक्वायर्ड हाइपोक्सैंथिन, तो साल्वेज पाथवे रिक्वायर्ड हाइपोक्सैंथिन एंड थायमिडिन। तो इसीलिए अमाइनोप्टेरिन ये इनहिबिटर है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ऑप्शन करेक्ट है। हाइपोक्सैंथिन इज कन्वर्टेड टू ग्वानिन बाय एचजीपीआरटी, ये डी ऑप्शन जो है, सो डी ऑप्शन दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन करेक्ट है इनकरेक्ट है। हाइपोक्सैंथिन इज कन्वर्टेड टू ग्वानिन बाय एचजीपीआरटी, यस डी ऑप्शन करेक्ट है इनकरेक्ट है। लक्ष्मी बिसेन करेक्ट, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। विकराम इनकरेक्ट, सोनम करेक्ट, पूजा करेक्ट, प्रियंका करेक्ट। तो करेक्ट है आपका कि डी ऑप्शन, नितिन करेक्ट, करेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट कि हाइपोक्सैंथिन को हम ग्वानिन में ट्रांसफर करते हैं हाइपोक्सैंथिन ग्वानिन फॉस्फोट्रांसफराइज एंजाइम से, एंड इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। हमें पूछा क्या था, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा ये पूछा था, ये हमेशा याद रखिए। पूछा क्या है वो पहले देखिए, इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन ये पूछा था, एंड इनकरेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सैलवेज पाथवे रिक्वायर अमाइनोप्टेरिन एंड थायमिडिन, दिस इज इनकरेक्ट, एंड देयरफॉर थर्ड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये समझ में आया? ओके वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सेल्स आर सिलेक्टेड इन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सेल्स को हम कैसे सिलेक्ट करते,
तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सेल्स आर सिलेक्टेड इन, तो हाइब्रिड सेल्स किस में सिलेक्ट करते? यस, इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सेल्स आर सिलेक्टेड इन। विकराम बी बोल रहा है ऑप्शन, पूजा बी, रोशनी बी, नितिन बी, वर्षा, कविता, लक्ष्मी, शुभम, सारे बी ऑप्शन बोल रहे हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हाइब्रिडोमा सेल्स हम कौन से मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हाइब्रिडोमा सेल्स दे आर ग्रोन ऑन द, यस सभी बी बोल रहे, लक्ष्मी, कविता, शुभम, आरोग्या, सोनम, रक्षा। सो करेक्ट है आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट कि हैट मीडियम के ऊपर ग्रो करते। एंड हैट मीडियम को हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सैंथिन। सो दिस इज हाइपोक्सैंथिन, देन अमाइनोप्टेरिन एंड थाइमिडिन। सो हाइपोक्सैंथिन, अमाइनोप्टेरिन एंड थाइमिडिन, ये जो मीडिया है इस मीडिया के ऊपर हम ग्रो करते हैं। एंड दिस इज हैट मीडियम। हा दिव्या, ये हैट मीडियम है, हैट मीडियम के ऊपर हम ग्रो करते हैं, तो इसलिए हैट सिलेक्शन मीडिया बोलते हैं। हाइपोक्सैंथिन एंड थाइमिडिन जो है दे आर द रॉ मटेरियल फॉर साल्वेज पाथ, ये साल्वेज पाथवे के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। एंड अमाइनोप्टेरिन इनहिबिट डी नोवो पाथ, जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का है। तो अमाइनोप्टेरिन इनहिबिट डी नोवो पाथवे जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो ये समझ में आपको? तो ये हमने डिस्कस किया। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में जो हाइब्रिड सेल्स होते हैं उनको हैट सिलेक्शन मीडिया के ऊपर ग्रो किया जाता है। ओके ओके, सो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर आपको आता है या नहीं। अगर आप, आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी अच्छी से आता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बहुत ही लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। यस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मेड डेफिशिएंट ऑफ हाइपोक्सैंथिन गुआनिन फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम? जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए इसका आंसर। प्रियंका सी ऑप्शन बोल रहे, रजन बी ऑप्शन बोल रहे, सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए जल्दी से। नितिन सी ऑप्शन बोल रहे, कौन से सेल्स में डेफिशिएंसी होती है एचजीपीआरटी एंजाइम्स की? अगर आपने सुबह का लेक्चर अच्छे से देखा होगा, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आपको आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पूजा बी बोल रहे, वर्षा सी बोल रहे, रक्षा बी बोल रहे, विकराम सी, अवारल, अविरल बी, कविता सी, सोनम कुमारी सी, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। यस, रोशनी सी ऑप्शन। कौन से सेल्स में एचजीपीआरटी एंजाइम डेफिशिएंसी होती है? यस, कौन से सेल्स में डेफिशिएंसी होती है? गौरी बी, हैट मीडियम।
गौरी, एच जी पी आर टी डेफिशिएंसी कौन से इसमें होती है? यस बोलिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेड डेफिशिएंट ऑफ हाइपोक्सैंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसपरेज? एच जी पी आर टी निगेटिव एज वेल एज थाइमेडिन काइनेज निगेटिव कौन से होते हैं? मोनिका सी, चालू सी, शुभम सी, नितिन, माइलोमा सेल्स। यस, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। सो जो स्टूडेंट सी ऑप्शन बोल रहे हैं उनका करेक्ट है कि जो माइलोमा सेल्स होते हैं, ये माइलोमा सेल्स दे आर डेफिशिएंट ऑफ द एच जी पी आर टी निगेटिव। तो जो माइलोमा सेल्स होते हैं, तो माइलोमा सेल्स, ये माइलोमा सेल्स, इनमें हमने डिस्कस किया कि ये इमॉर्टल पॉजिटिव होते हैं, तो इमॉर्टल पॉजिटिव। देन सेकेंड, आईजीएम निगेटिव होते हैं, करेक्ट, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, एज वेल एज एचजीपीआरटी निगेटिव होते हैं, थायमिडिन काइनेज निगेटिव होते हैं। देन नॉर्मल, और यहाँ पे देर इज नो सैल्वेज पाथ एक्टिव, क्योंकि ये दोनों अगर निगेटिव है तो सैल्वेज पाथवे काम नहीं करता, एच जी पी आर टी नहीं है एंड थायमिडिन काइनेज नहीं है, तो सैल्वेज पाथवे काम नहीं करता, तो इनमें होता है नॉर्मल डी नो पाथ। ये हमने डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ द माइलोमा सेल्स, एंड इसीलिए अभी आपको पूछा क्या था कि कौन सी सेल्स एच जी पी आर टी निगेटिव होती है, तो क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि कौन सी सेल्स एच जी पी आर टी निगेटिव होती है, सो दिस सेल इज द माइलोमा सेल, कि जो कैंसर सेल्स है वो एच जी पी आर टी निगेटिव होते हैं। ये समझ में आया? तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आप सबने, सी ऑप्शन जो बोल रहे थे स्टूडेंट उनका करेक्ट है, जो बी बोल रहे थे हाइब्रिड सेल्स के पास एच जी पी आर टी आता है क्योंकि वो बी सेल्स के साथ फ्यूज होते हैं, बी सेल्स में एच जी पी आर टी पॉजिटिव होता है, तो हाइब्रिड सेल्स में भी एच जी पी आर टी पॉजिटिव होता है। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, कि माइलोमा सेल्स में एच जी पी आर टी निगेटिव होता है। ये समझ में आया? ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैट सिलेक्शन? इसका आंसर आपको ही देना है। इसका आंसर क्या है पूजा? ओके, वेरी गुड। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। नितिन बी, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिनको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आया है, जिन्होंने सीरियसली सुबह का लेक्चर अटेंड किया है, उसी को इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए जल्दी से। मेघा डी ऑप्शन बोल रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैट सिलेक्शन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आपको वो आना ही चाहिए। यस, चालू, कविता, रोशनी डी ऑप्शन बोल रहे हैं,
मोनिका डी, सोनम कुमारी डी ऑप्शन, लक्ष्मी डी ऑप्शन, गौरी सी ऑप्शन, माइलोमा सेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, एक तो याद रखे इनकरेक्ट पूछा है, सो इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैट सिलेक्शन मीडियम, कि हैट सिलेक्शन से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन में अभी देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बी सेल्स आर एचजीपीआरटी पॉजिटिव, कि बी सेल एचजीपीआरटी पॉजिटिव होते, कैन ग्रो इन हैट मीडियम बट अंडरगोज नॉर्मल सेल डेथ, तो ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट है क्योंकि बी सेल्स का लाइफ टाइम जो होता है वो फाइनाइट होता है एंड इसलिए वो लो सर्वाइव करते हैं, कि उनकी हाफ लाइफ जो होती है लो होती है, तो कुछ 3 to 5 days तक ही वो सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बी, माइलोमा सेल्स कैनॉट ग्रो इन हैट मीडियम एज दिस सेल्स लैक एचजीपीआरटी, करेक्ट है। माइलोमा सेल्स इसलिए ग्रो नहीं होते क्योंकि उनमें एचजीपीआरटी भी नहीं होता एंड थायमिडिन काइनेज भी नहीं होता, तो उनमें साल्वेज पाथवे काम नहीं करता, सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। देन सी, हाइब्रिड सेल सर्वाइव इन द हैट मीडियम एज इट इनहेरिट एचजीपीआरटी फ्रॉम बी सेल्स, करेक्ट। हाइब्रिड सेल्स में एचजीपीआरटी पॉजिटिव होता है, एचजीपीआरटी प्लस थायमिडिन काइनेज पॉजिटिव आता है एंड ये कहाँ से आता है, तो ये आता है बी सेल्स से, क्योंकि बी सेल्स में नॉर्मल एचजीपीआरटी एंड नॉर्मल थायमिडिन काइनेज होता है, तो एचजीपीआरटी एंड थायमिडिन काइनेज दोनों भी बी सेल्स से हाइब्रिड सेल्स को मिलते हैं एंड इसलिए सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हाँ कविता, ओनली नहीं होगा, डी डी ऑप्शन, अमाइनोप्टेरिन इन हैट मीडियम ब्लॉक्स डी नो पाथ ऑफ न्यूक्लियर डिसीज ओनली माइलोमा सेल्स, नो दिस इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, क्योंकि अमाइनोप्टेरिन जो है वो अमाइनोप्टेरिन ये ब्लॉक करेगा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इन बी सेल्स, बी सेल्स में भी ब्लॉक करेगा, ये माइलोमा सेल्स में भी ब्लॉक करेगा एंड ये हाइब्रिडोमा सेल्स में भी ब्लॉक करेगा, क्योंकि सारे सेल्स में डीनो पाथ चलता है, तो अमाइनोप्टेरिन ये इनहिबिटर डीनो पाथ को तीनों भी सेल्स में ब्लॉक कर देगा एंड तीनों भी सेल्स में ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे ओनली लिखा है, ये हमेशा याद रखना कि ओनली अगर स्टेटमेंट में देते हैं तो ओनली के स्टेटमेंट मोस्टली इनकरेक्ट टाइप के ही होते हैं, क्योंकि ओनली बहुत स्पेसिफिक जगह पे ही करेक्ट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी ओनली लिखा है इसलिए इनकरेक्ट है, क्योंकि वो अमाइनोप्टेरिन तीनों भी सेल्स में डीनो पाथ को इनहिबिट कर रहा है, बी सेल्स, माइलोमा सेल्स एंड हाइब्रिडोमा सेल्स एंड इसलिए ओनली जो लिखा है यहाँ पे ओनली इज इनकरेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, रोशनी सभी सेल्स में वो ब्लॉक करता है डीनो पाथ को, तो बी सेल, माइलोमा सेल्स एंड हाइब्रिडोमा सेल्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, पूछा हमें इनकरेक्ट था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये समझ में आया? यस, यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट प्रेजेंट इन द हाइब्रिडोमा सेल्स, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है,
ओके सोनम वेरी गुड, कविता वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिडोमा सेल्स, कि कौन सी प्रॉपर्टी हाइब्रिडोमा सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती. नितिन डी, विकराम डी, वर्षा डी, वैष्णवी डी. तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए. रक्षा डी, लक्ष्मी डी, कविता, सभी डी बोल रहे हैं. तो देखिए और एक बार चेक कीजिए आंसर को. Which of the following property not present in the hybridoma cells? कौन सी property hybridoma cells में present नहीं होती. प्रियंका D, मोनिका D. So, yes, which of the following property? So, which of the following property not present in the hybridoma cells? कि hybridoma cells में कौन सी property present नहीं होती. तो सभी student D option बोल रहे, मोनिका, शालू, आरग्या, अविरल, नितिन. hybridoma cells are immortal, correct? वो immortal होते हैं नितिन. So, IgM positive होते हैं hybridoma cells. तो IgM पॉजिटिव होती है तो ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. ए ऑप्शन करेक्ट है. देन HGPRT पॉजिटिव होती है, तो HGPRT पॉजिटिव होती है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. देन थायमिडिन काइनेज पॉजिटिव होती है, यस. तो TK पॉजिटिव होती है क्योंकि थायमिडिन काइनेज पॉजिटिव है. सो ये भी प्रॉपर्टी हाइब्रिडोमा सेल्स में होती है. तो फाइनाइट लाइफ स्पैन, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिडोमा सेल्स. तो दिस इज इनफाइनाइट होना चाहिए. तो इनफाइनाइट लाइफ स्पैन, तो दिस प्रॉपर्टी इज करेक्ट. ये प्रेजेंट होती है, फाइनाइट बी सेल्स में होती है, नॉट इन हाइब्रिडोमा सेल्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी ऑप्शन. So D option is the incorrect option. Okay. So D option is not present in the hybridoma cells. तो यहां पे हमने सारे questions को discuss कर लिया जो हमने आज के topic में discuss किया था. तो हमने आज का hybridoma technology का topic discuss किया, जिसमें हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन डिस्कस किया. ये टेक्नोलॉजी कोलर एंड मेलस्टेन, ये दोनों साइंटिस्ट ने दी थी. एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये हम रैट में करते हैं, जो माइस ओरिजिन होती है. ओके, तो सबको समझ में आया आज का टॉपिक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? यस. तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से कोई डाउट? तो एनी डाउट? हाँ रोशनी, कौन सा डाउट है? यस, कौन सा डाउट है रोशनी? तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए? हाँ कविता, थैंक यू. तो आज हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया.
सेल रोशनी सेल कैन नॉट बी इनफाइनाइट लाइफ स्पैन. कौन सी सेल, कौन सी सेल? फॉर एग्जाम्पल कौन सी सेल इनफाइनाइट लाइफ स्पैन नहीं होती? यस, रोशनी कौन सी सेल्स कैन नॉट बी अ इनफिनाइट लाइफ स्पैन? एग्जाम्पल दे डिग्रेड विथ 26 प्रोटियोजोम विथ एजिंग. बी सेल्स, हाँ रोशनी, बी सेल्स में इनफिनाइट लाइफ स्पैन कभी नहीं होता, वो तो नॉर्मल सेल्स होते हैं जिनमें फाइनाइट लाइफ स्पैन होता है, जो 3 to 5 days तक ही उनका लाइफ स्पैन होता है. 3 to 5 days के बाद वो फिर से उनकी डेथ होती है, न्यू बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है हिमेटोपोइसिस में. तो इसीलिए बी सेल्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, हम बी सेल्स को फ्यूज करते हैं माइलोमा सेल्स के साथ. इसीलिए क्योंकि बी सेल्स का हमें लाइफ स्पैन बढ़ाना है, हमें इनफाइनाइट टाइम तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करना है, इसीलिए बी सेल्स को हम फ्यूज करते हैं माइलोमा सेल्स के साथ. नॉर्मली कोई भी सेल्स जो हमारी नॉर्मल सेल है उनका फाइनाइट लाइफ स्पैन ही होता है. इनफाइनाइट लाइफ स्पैन ओनली कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी है. हाँ नितिन, नॉर्मल सेल्स हैविंग फाइनाइट लाइफ स्पैन, कैंसर सेल्स हैविंग इनफाइनाइट लाइफ स्पैन, करेक्ट. सो देयरफॉर बी सेल्स को हम माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमने हमारा कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल डिस्कस किया. ओके, सो आई होप कि सुबह जो हमने कंसेप्ट पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे. ओके, सो आप फिर से एक बार नोट्स को एक बार पढ़िए एंड क्वेश्चंस को फिर से एक बार सॉल्व कीजिए. और भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में आए होंगे, तो उनको भी आप सॉल्व कीजिए. ओके, तो थैंक यू ऑल. एंड अगर आपको ये लेक्चर या आपको ये क्लास अच्छा लगे तो हिट लाइक कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए. एंड आज तक जो हम आपने हमें प्यार दिया है, ऐसा ही प्यार हमें आगे भी देते रहिए. ओके, एंड आप बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करोगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ओके, सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही क्लास में डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहेंगे. ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच. एंड आपने ये वीडियो देखा तो आपको धन्यवाद. सो थैंक यू सो